हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मुसेब अली। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, ये इंग्लिश मीडियम के लेक्चर है। ये 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर है ये। तो इस लेक्चर के अंदर जो है, आप इन लेक्चर के अंदर अपन स्टूडेंट्स IUPSC नोमेनक्लेचर के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उनके बारे में जो है अपन बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट, हमने जो है एल्केन के बारे में बात कर लिया था। ये 10th and 12th क्लास के लिए है, ये 10th and 11th क्लास, ठीक है। चलो, तो अपन ने किसकी बात की थी लास्ट लेक्चर में? एल्केन की बात की थी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर अपन को इसे नाम दे दिया C2H6, तो इसका नाम क्या होगा? तो स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा? देखो, ये 2 है तो 2 रखेंगे तो कितने हो गए 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो मतलब ये एल्केन है, तो एल्केन के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहां पर कितने, 2, तो 2 के लिए क्या कहेंगे अपन, 8। क्लियर है ये? तो यहां पर अपन जो है अलग अलग तरीके से यहां पर डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, यानी एकदम मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब स्टूडेंट्स, अपन जो बात करने जा रहे हैं आज, वो है एल्केन। क्या है स्टूडेंट्स? एल्कीन की बात आज अपन कर रहे हैं। तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तीन प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अपन जो है सेकंड टॉपिक है आपका, वो है एल्कीन। तो एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे आप इसके अंदर सबसे पहले डबल बॉन्ड का, यानी इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है इसका, CnH2n, इतना ही होता है बस। यानी यहां पर 2n आएगा, जैसे मैं कहूं C2H4, तो यहाँ पर C2H4 की स्ट्रक्चर कैसे होगी कि दो कार्बन है, आप दो कार्बन बनाएंगे, कितना हाइड्रोजन, 4, तो एक हाइड्रोजन तो आप यहाँ बनाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाएंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब आपको पता है यहाँ पर कितने बॉन्ड आएंगे, 4 बॉन्ड आएंगे। क्लियर हुआ? तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे आप, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे अपन, 8। क्या कहेंगे अपन, 8। अब इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इसका प्राइमरी सफिक्स इन होता है। क्या होता है, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन नाम हो जाएगा। तो और अपन एग्जांपल्स की बात करते हैं, और एग्जांपल्स की बात करते हैं अपन, जैसे जैसे मैंने पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। एक एग्जांपल ये है, एक CH3, C डबल बॉन्ड, C, फिर H, फिर CH3। दूसरा एग्जांपल ये है, तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड, CH2। फिर फोर्थ एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C, फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH3, इसकी बात करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल CH3, CH2, C, Cl, C, Cl, चलो Br कर देते हैं यहाँ पर, BrCH3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं,
आप इन पांच एग्जांपल को सोल्व कीजिए, आप सोल्व कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कर लें, आप फिर सोल्व करें, फिर जो है अपन करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पहले आप कर ले, फिर आप मिला लेना, ठीक है ना। चलो अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं एग्जांपल फर्स्ट की। इस एग्जांपल फर्स्ट के अंदर क्या है मोस्ट बात, इसके अंदर बात यह है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने, सबसे पहले आपको ये देखना है, यानी इसका फॉर्मूला होता है सब्स्टिट्यूट प्लस प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये होता है। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने देखें, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे अपन, मेथ 8 प्रोप लगाएंगे, तो आपने क्या लगा दिया, प्रोप। अब है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कि जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है और नंबरिंग देंगे तो 1 2 3, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्लियर है। तो क्या नाम देंगे इसका, 1 इन। इन क्यों लगाया, 1 इन कैसे, देखो एक नंबर पे और इन मतलब डबल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड की देनी है, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो तब आपको प्रायोरिटी नंबर की ट्रिपल बॉन्ड वाले में देनी है, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है, प्रोप 1 इन इसका नाम आ जाएगा, अंडरस्टैंड। अब इसमें देखेंगे आप 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे आप, ब्यूट, तो ब्यूट, फिर नंबर देंगे 1 2 3 4, यहां से भी 1 2 3 4, इस तरफ से भी 2 मिल रहे हैं और नीचे से भी आपके पास 2 मिल रहे हैं, तो क्या होगा फिर यहां पर इसका नाम, ब्यूट फिर 2 इन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखेंगे आप, ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला मेन चेन हो गई। अब नंबरिंग देंगे आप, नंबरिंग यहां पर सब्स्टिट्यूट को नहीं देना है बल्कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, तो आपको डबल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो जैसे इसका नाम 1 2 3, यहां से नंबरिंग होगी क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले सब्स्टिट्यूट कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने है, 1 2 3 3 के लिए प्रोप, ठीक है। अब आपके पास 1 नंबर पे क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे अपन, 1 इन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ये नाम आ जाएगा, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं इसकी, ये तो अपन ने कर लिया ना, चलो इसमें चेंज कर देते हैं सी, फिर सी डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पर, सी सी एस थ्री, ये है। अब यहां पर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्या लिखेंगे अपन, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट। लेकिन एक बात याद रखना, जब 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्यूटा, क्या लिखते हैं, ब्यूटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, याद रखना आप इसको। अगर डबल बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए, तो क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटा लिखेंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर ब्यूटा आपने लिख दिया, अब क्या है ब्यूटा, फिर 1 और 2 नंबर पे है, तो ब्यूटा 1 फिर 2 फिर 1 2 डाई, या डाई 1 2 डाई इन, क्लियर हुआ कि नहीं, तो ब्यूटा 1 2 डाई इन इसका नाम हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका नाम देखेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे यहां से नंबरिंग देंगे कि यहां से देंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहां से देंगे 1 2 3 4। अब 2 नंबर पे है क्लोरो, 3 नंबर पे है ब्रोमो, तो पहला कौन आता है, ब्रोमो, बी आता है कि सी आता है, बिल्कुल पहले बी आता है, तो क्या है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर उसके बाद में क्या आएगा,
नंबर ऑफ कार्बन, फोर कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट। फिर वन पे है क्या इन, तो ब्यूट वन इन, तो ये जो है इसका नाम हो जाएगा, यानी थ्री ब्रोमो टू क्लोरो ब्यूट वन इन। क्लियर स्टूडेंट्स? और अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए। आप जो है इसको राइट कर लीजिए, हो गया होगा राइट। और एग्जांपल करते हैं, जैसे इस एग्जांपल को करो आप, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी डबल बॉन्ड सी एच टू। अब ये है, यहां पर सी एच सी एच लिखा हुआ है, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच। सबसे पहले नंबरिंग यहां से करेंगे कि यहां से करें, देखो यहां से भी वन मिल रहा है, यहां से भी वन मिल रहा है, तो कहीं से भी कर लो आप। तो इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से भी कर लो, आपकी मन की मर्जी है। तो कैसे करेंगे और कहां से करेंगे देखें आप, तो इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग वन फिर टू फिर थ्री फोर। तो डबल बॉन्ड वन और थ्री पे आ रहे, तो फोर कार्बन है, फोर कार्बन के लिए बोलेंगे अपन ब्यूट, तो इसको बोलेंगे ब्यूटा। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको, ब्यूटा। तो ब्यूटा फिर वन थ्री डाई इन, क्या नाम है इसका, ब्यूटा वन थ्री डाई इन। क्लियर है? तो जो है एग्जांपल्स की बात करें, और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, डबल बॉन्ड के एग्जांपल्स आप बहुत खूब सारे आपको मिल जाएंगे। ये तो है आपकी टेंथ लेवल के एग्जांपल्स जो आपको आना चाहिए और एग्जाम के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपन जो इलेवंथ क्लास के अंदर और या उससे ऊपर जो नोमेनक्लेचर आते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है ये, फर्स्ट सेकंड में दे दिया ये, फिर थर्ड, तो ये है एग्जाम्पल आपके पास, फाइव एग्जाम्पल्स। तो आप जो है इन एग्जाम्पल्स को कीजिए, ये एग्जाम्पल नीट के अंदर आने वाले एग्जाम्पल से अच्छे हैं। 40 पे शुरू किया था ना तुमने, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप जो है पॉज करके चेक कर लीजिए कि आपका जो है कितना सही रहा है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में नंबरिंग देखो आप, ये जहां जहां आपको मुड़े थे, वन टू थ्री फोर फाइव फोर सिक्स, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने, सिक्स है, कितने हैं, सिक्स नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर। क्लियर है? तो सिक्स नंबर ऑफ कार्बन है, तो सिक्स के लिए क्या लगाएंगे अपन, हेक्स लगाएंगे, हेक्सा, दो डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सा। अब आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग देखो यहां से करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कितना नंबर मिला है, एक तो टू नंबर मिला है आपको, और आपको क्या मिला है, फाइव नंबर मिला है, टू और फाइव तो एट करेंगे कितना होगा, सेवन। जब यहां से करेंगे तो वन टू थ्री फोर, तो यहां से वन फोर मिल रहा है आपको, वन और फोर, तो यहां पर कितना, सिक्स। तो आपको नंबरिंग कहां से देना है,
लेफ्ट की तरफ से यानी राइट की तरफ से आपको जो नंबरिंग देना है, यानी यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हेक्सा 1, 4, diene इसका नाम आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, हेक्सा 1, 4, diene इसका जो है नाम आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड वाले एग्जाम्पल की बात करो, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। अब आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे आप। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको ये चूज में लेना पड़ेगा। क्लियर है? नंबरिंग करना है आपको, मैं चलो डबल बॉन्ड कर देता हूं यहां पर। अब नंबरिंग करना है, जैसे यहां पर 1 मिलेगा, यहां से भी क्या मिलेगा 1, तो बराबर मिल रहा है फर्स्ट वाले को, डबल बॉन्ड को नंबरिंग यहां से बराबर मिल रहा है। लेकिन जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां से अपन देंगे तो क्लोरीन को 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, प्लस आगे चलेंगे एथिन को 3 नंबर मिल रहा है, और आगे चलेंगे फ्लोरीन को 4 नंबर मिल रहा है, और आगे चलेंगे ब्रोमीन को 5 मिल रहा है, और डबल बॉन्ड को 5 मिल रहा है। तो 1, 3, 5, 5 और 19 नंबर हो, मतलब 19 नंबर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इस तरफ से चेक करते हैं अपन, अब इस तरफ से चेक करते हैं, देखेंगे आप जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, 1 नंबर, फिर 2 नंबर ब्रोमीन, 3 नंबर फ्लोरीन, 4 नंबर एथिल, 5 नंबर आपका डबल बॉन्ड, और 6 नंबर आपका जो है क्या मिल रहा है, क्लोरीन। ऐड कर लेंगे आप तो 6, 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4, 10, 10 तो 21 आ रहे हैं यहां से। तो नंबरिंग कहां से मिलेगी, नंबरिंग राइट साइड, इस तरीके से आपको जो नंबरिंग करना है यहां पर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग ये रहेगी आपकी। क्लियर है? तो नंबरिंग देना भी आपने सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। अब क्या है देखें आप, सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। ये ब्रोमो है बी आर आई, ये एथिल है ई आर आई, ये फ्लोरो है एफ आर आई, ठीक है? तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके, ये क्लोरो है सी आर आई इसमें, तो पहले बी आता है, तो बी 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो। अब ए बी सी, सी तो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, फिर ई 3 एथिल 3 एथिल, फिर 4 फ्लोरो 4 फ्लोरो, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन 6 हेक्सेन या हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 आ गया ना, तो हेक्सा, फिर जो है 1, 5, diene, ये इसका नाम होगा। 5 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 एथिल 4 फ्लोरो हेक्सा 1, 5 diene, ये इसका नाम आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता रहना चाहिए जो इसका नाम अपन किस तरीके से लिखते हैं। अब बात करते हैं अपन और एग्जांपल्स की, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप या आप राइट कर लीजिए, इसका नाम है ये राइट कर लीजिए आप। चलो अब इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले तो। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नाम आएगा। चलो इसको मैं यहां लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, सही है।
याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है देखो, चलो इसका नाम लिखिए, तो लोंगे चेन यहां भी यार कर लो। चलो तो लोंगे चेन आपकी ये सेलेक्ट हो गई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ कार्बन है यहां पर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या है देखो, यहां पर नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो बॉन्ड है यहां से बना हुआ। अब क्या है, जैसे ये क्लोरीन में सी, ब्रोमीन में बी, नाइट्रो में एन, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर 6 नाइट्रो, 6 के लिए क्या है, हेक्स, हेक्स, हेक्सा, 1 3 डाइईन, ये नाम हो जाएगा इसका। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है, आपको पता रहना चाहिए। अब इसके अपन बात करते हैं, ये अपन ने कर दिया, तो अब ये लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। अब इसकी नंबरिंग करना, देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, तो यहां पर आपको 1 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, फिर आगे जाएंगे फिर 3 नंबर मिल रहा है, 3 डबल बॉन्ड को, 3 नाइट्रो को, तो 3 दो बार लिखेंगे, फिर 5 मिल रहा है, 5 के बाद में 6 नंबर पे क्लोरीन है, फिर 7 8 नंबर पे ब्रोमीन है, तो ये नंबर मिल रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 6 6 7 7 और 5 7 5 20 12 और 12 और ये 20 और 26 नंबर। अब यहां चलेंगे तो कितना नंबर देंगे देखेंगे आप, यहां से देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आपको मिला यहां पर गए डबल ले गए, देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड को यहां पर 5 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को यहां पर कितने नंबर मिल रहे हैं, देखो यहां पे 1 2 3 4 4 मिल रहा है यहां पर 1, तो आपको पता है यार डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, तो इस तरफ से क्यों चेक कर रहे हैं अपन, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या नाम हो जाएगा इसका देखेंगे आप, क्या नाम होगा, ये है क्लोरो, सी ये आपका ब्रोमो, बी ये आपका नाइट्रो, एन, तो पहले कौन आता है, ब्रोमो, तो 8 ब्रोमो 8 ब्रोमो, फिर 6 क्लोरो 6 क्लोरो, फिर 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो, फिर क्या होगा, 9 के लिए नोन, तो यहां पर क्या लगाएंगे, नोना, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर दो से ज्यादा आ गए तो ए लगाते हैं, नोना, फिर नोन, चलो नोन कर लो आप इसको, फिर 1 1 3 5 ट्राई इन, तो स्टूडेंट इसका नाम ये हो जाएगा। क्लियर है बात ये, तो इसका नाम क्या है, 8 ब्रोमो 6 क्लोरो 3 नाइट्रो नोन 1 3 5 ट्राई इन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये तो है टॉपिक अपना, एल्कीन वाला जो पॉइंट था इसका नोमेनक्लेचर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स जो अपना लास्ट है एल्काइन, वो जो अपने अगले लेक्चर के अंदर इसको
पढ़ेंगे अच्छे एग्जाम्पल लेके। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और जो है इसी तरह जुड़ते रहिए।